जी आशीर्वाद। और ये रूहानी जाम खुशियों का लेके आता है पैगाम, सच्ची भावना हृदय से, कोई तड़प के पिए उसे मिला दे निज धाम। ये रूहानी जाम खुशियों का लेके आता है पैगाम। सो रूहानी जाम जो पीने आए हैं जरा हाथ खड़ा करके बताएं कहां कहां बैठे हैं। जी आशीर्वाद, हाथ नीचे कर लीजिए, हाथ नीचे कर लीजिए। और जिन्होंने पहले गुरु मंत्र ले रखा है, वचनों में गलती हुई और आज रूहानी जाम पीने आए हैं, वो लोग नारा लगाएं। आगे से गलती कभी ना करना, क्योंकि जाम के बाद अगर गलती करते हो तो बहुत बहुत दुख दर्द भी आते हैं, और अगर अमल करते हो तो बहुत 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 ज़्यादा खुशियाँ भी आती हैं। सो इसलिए आगे से अमल कीजिएगा। और उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करना है, शुक्राना करना है। और धन्यवाद शुक्राना करने के लिए जो शब्द साईं मस्ताना जी महाराज ने हमें बताए हैं, धन धन धन्य है, धन्य है सदगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम, तेरा ही आसरा तेरा ही सहारा है। तो सबने मिलके जोर से नारा बोलना। हाँ जी, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। तो रूहानी जाम शुरू करें दोनों तरफ। और यह कलयुग का जो समय चल रहा है, इसमें यकीन के काबिल अगर कोई है, भरोसा जिस पे किया जाए, वो है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम सदगुरु मौला। अदरवाइज संसार में खाऊ यार हैं, लोगों का प्यार सिर्फ लेन देन से है, पैसा मिलता रहे, खुशियां आती रहें, कर्म कटते रहें तो सतगुरु मौला अच्छा लगता है। विघ्न आ गया, कोई मुश्किल आ गई तो लोग किनारा कर जाते हैं अपनी खुशियों से, अपनी दयामय रहमत के नज़ारे से, क्योंकि पीर फकीर तो सबका भला सोचते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई राम से दूर हो, हमेशा हर किसी को मालिक से जोड़ के रखते हैं ताकि तमाम खुशियां लगातार मिलती रहें। सेवा और सुमरन जितनी आप करते जाओगे उतनी ही झोलियां भरती जाएंगी। लेकिन इनमें जो बाधा आती है, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनकी वजह से ही बाधा आती है। यही वजह है जिसके कारण इंसान दुखी होता है, परेशान होता है, गमगीन होता है। आज के दौर में लोग आपसी प्यार मोहब्बत, आपसी रिश्ते नाते निभाते तो हैं, पर गर्ज की वजह से, बेगर्ज मोहब्बत करने वाले भी हैं लेकिन बहुत कम है। गर्जी प्यार है रिश्ते नातों में। सबसे बड़ा रिश्ता मां और बेटे का माना जाता है, लेकिन आप सोच के देखो, बेटा अपनी मां को आंखों से ओझल नहीं होने देता जब तक उसका दूध पीता है, जब तक उसकी फीड लेता है, जब तक खुद अपने कपड़े नहीं बदल पाता, जब तक खुद टट्टी पेशाब जाता नहीं, क्योंकि मां पे निर्भर होता है, तो मां से बड़ा ही प्यार होता है। थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, खेलना अच्छा लगने लगता है, यार दोस्त मित्र सहेलियां अच्छी लगने लगती हैं, तो मां से थोड़ी सी दूरी आ जाती है। वैसे तो ये नेचुरली है, ऐसा होना ही जरूरी है, लेकिन उदाहरण देने जा रहे हैं तो ध्यान से सुनिए। बच्चा थोड़ा दूर हो गया, लेकिन मां की भावना हमेशा अपने बच्चे से जुड़ी रहती है। कहते कूंज
कोसों किलोमीटर दूर उड़ जाए तो भी ध्यान बच्चों में रखती है। गौ कितने किलोमीटर दूर चरती रहे, अगर बछड़ा घर में बंधा है तो ध्यान उसमें ही रहता है। और यह सच है, मां के लिए बच्चा बड़ा हो गया लेकिन फिर भी ध्यान उसी में रहता है। बच्चा खेलता है खिलौनों के साथ, पढ़ाई करने लगा, यार दोस्त मित्र मिलने लगे, सहेलियां मिलने लगी, करते 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 जवानी का समय आ जाता है और मां बाप से काफी दूरी हो जाती है। जब छोटा था उसके मुकाबले, अब जरूरी नहीं समझता हर बात अपने मां बाप से शेयर करना, जरूरी नहीं समझता हर निर्णय मां बाप के अनुसार लेना। हालांकि नादान है, छोटा है, पर उसे अपनी बेइज्जती फील होती है कि मैं अगर मां बाप से सलाह लूंगा तो यूं लगेगा जैसे अभी मैं किड्स हूं, अभी मैं छोटा बच्चा हूं, तो इसलिए उसे पसंद ही नहीं है अपने मां बाप से शेयर करना। कुछ संग ऐसा हो जाता है, यारी दोस्ती ऐसी हो जाती है, वो भी भरमाते रहते हैं, वो भी उकसाते रहते हैं कि यार तू अब इतना बड़ा तो हो ही गया ना जो खुद निर्णय ले लेगा, कि फिर से जाके मम्मी पापा से पूछना है, इत्यादि इत्यादि तरह तरह की बातें करते रहते हैं। और बच्चा पक्का हो जाता है कि नहीं, मैंने ये बातें अपने मां बाप से शेयर नहीं करनी। वही मां वही बाप जिन पे दृढ़ यकीन होता है कि मेरा कभी बुरा नहीं करेंगे, जवानी में बच्चे को लगने लगता है नहीं ये रोकते हैं तो मेरा बुरा करते हैं, हर कार्य से रोकते हैं। हर कार्य कौन सा होता है? नशा ना करना बेटा, गलत संगत ना करना बेटा, बुरी जगह ना जाना बेटा। तो उसे लगता है हर जगह कि ये चीजें मैं तो करूंगा, और वो अपने यार दोस्त मित्रों के साथ इतना खो जाता है कि मां बाप उसके लिए काफी दूर हो जाते हैं और वो सोचने लगता है कि मैं अब परिपक्व हो गया हूं। लेकिन जब कोई मुसीबत गले पे आन पड़ती है, जब कोई मुश्किलें उसे घेर लेती हैं, तो वही मां बाप होते हैं जो जाके उसका साथ देते हैं। और कहने वाले यार दोस्त मित्र कहां भाग गए पता ही नहीं चलता, क्योंकि रिश्ता कभी टूटता नहीं। खास करके मां बाप के दिल में एक तड़प रहती है, एक व्याकुलता रहती है। ये अलग बात है बच्चे छोड़ देते हैं क्योंकि उनका रिश्ता जुड़ जाता है अपने यार दोस्त मित्रों से। हम नहीं कहते दोस्त ना बनाओ, सहेली ना बनाओ, लेकिन मां बाप का दर्जा तो उनको नहीं दे सकते ना आप, उनका दर्जा तो उन्हीं के पास रहने दो। बाकी ठीक है, आप यारी दोस्ती बनाइए, मित्रता कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यही नहीं है, शादी हो जाती है और शादी के बाद तो उसे मां बाप बहन भाई कई बार पति पत्नी ही लगने लग जाते। उसे लगता है कि मेरा सही करेंगे तो यही करेंगे, पति करेगा या पत्नी करेगी। उसको मां बाप अच्छे तो लगेंगे अगर आपके घर में जवाई अच्छा आ गया या फिर बहू अच्छी आ गई, तो मां बाप अच्छे लगते रहते हैं। अगर ये दोनों कोई ऐसे आ गए, जैसे पंजाबी में कहावत है ना माड़ा जम्मे ना माड़ा आए, अगर कोई ऐसा आ जाता है तो फिर उसका एक ही काम होता है कि अपने पति को अपनी पत्नी को दुनिया से दूर कर देना, अपने परिवार से दूर कर देना। जिनके अच्छे संस्कार होते हैं वो जोड़ते हैं, और जिनके संस्कार ही अजीबोगरीब हों वो जोड़ने का नाम नहीं लेते, वो तो तोड़ते ही तोड़ते हैं। तो मां बाप को भूल जाता है इंसान, कहता वो तो कर्तव्य था, वो तो फर्ज था जो मेरे साथ निभाया है, जो मेरा अच्छा किया है, ये तो उनका फर्ज बनता है। और इस तरह बच्चे मां बाप से दूर हो जाते हैं। तो वो प्यार जो मां से एक पल दूर नहीं होता था, वही इंसान हमने देखा इस दुनिया में मां को डंडे मारता है, मां को घर से निकाल देता है, दर दर ठोकर खाने के लिए और जगह पे भेज देता है।
तो ये है कलयुगी प्यार। बाकी रिश्तों का तो कहना ही क्या, माँ बाप का रिश्ता सर्वोत्तम माना जाता है, सबसे बड़ा माना जाता है। और आज जगह जगह अनाथ आश्रम या ऐसे बने हुए हैं जो वृद्ध आश्रम, तो उनमें आप जाके देखो तो सभी ऐसे ही परिवार मिलेंगे। कौन नहीं चाहता अपने पोतों के साथ, अपने नातियों के साथ खेलना, खास करके बुजुर्ग अवस्था में तो ज्यादा जरूरत पड़ती। छोटे छोटे बच्चों के साथ कलोल करना, उनको कहानियां सुनाना, उनके साथ खेलना, लेकिन वो घर से ही निकाल देते हैं, घर से निकाल के बाहर कर देते हैं। तो ये बिल्कुल कलियुग का प्रभाव है। ऐसा भयानक समय आया है, ऐसा भयानक दौर चल रहा है कि लोग मालिक से दूर होते जा रहे हैं, रिश्ते नाते टूट रहे हैं। और यहां तक देखने में आता है लोग अपने मालिक को, सतगुरु पीर फकीर को बुद्धू बनाते हैं, गलत कर्म करते हैं और उसकी परवाह भी नहीं करते, झूठ बोलते हैं। आंख हम देखा करते हैं, बड़े हैरान होते हैं, क्योंकि बचपन से जानते हैं ऐसे बच्चों को। और जब वो झूठ बोलते हैं कि मैं तो जी बिल्कुल ये हूं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, कई बार सेवादारों से मिलना होता है, और बेटा ठीक ठाक हो, सब ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, मैं तो कभी कुछ गलत करता ही नहीं, मैं तो अब सब, तो बड़ी हैरानी होती है कि ये अपने पांव पे कुल्हाड़ा मार रहा है, झूठ बोल रहा है, गलत कर्म करता हुआ उसे छुपाना चाहता है, लेकिन वो कभी छुपा नहीं करता, क्योंकि उसका फल भोगना पड़ता है। संत पीर फकीर काट दें अगर कोई सच बोल दे, पीर फकीर अल्लाह राम से माफी दिलवा दें अगर कोई तौबा कर ले, पर लोग इतने शातिर इतने चतुर हैं कि वो अपनी बात आगे करते ही नहीं। उनको लगता है कि नहीं, मैं अगर ये बात करूं तो शायद रूहानियत में पीछे चला जाऊं, ना करूं तो पर्दा है, पर्दे में कौन सा पता चलता है। तो भाई ये आपकी गलत सोच है, आप उस राम से, अल्लाह वाहिगुरु गॉड से कुछ छुपा नहीं सकते। तौबा किया करो, उस राम को बता के तौबा किया करो, अपना सच उस मालिक के चरणों में रख के, ताकि आने वाले समय में उसका बोझ आपको ना उठाना पड़े, ताकि आने वाले समय में सुख शांति से आप जीवन व्यतीत कर सके। तो हमें लगता है रूहानी जाम सबने पी लिया है, पीने से अगर कोई रह गया हो भाइयों की तरह तो हाथ खड़ा करे, जिसको रूहानी जाम नहीं मिला वो हाथ खड़ा करो, खड़े होके। है कोई इधर भाई? बहनों की तरफ अगर कोई रह गया हो, नहीं है तो आप भी नारा लगा के बैठ जाइए भाई, जितना सुमन के सेवा सुमन सत्संग का फल पड़ चढ़ के मिले, घरों में खुशियां आए, मालिक से प्यार बढ़े, आशीर्वाद। अपनी जगह जाके बैठ जाइए नारा लगा के, और लांगरी आ जाए भाई। तो सत्संग में जब जीव चल के आता है तभी उसे दृढ़ यकीन आता है, तभी उसे ये भावना पैदा होती है कि हां मैं गलत कर्म कर रहा हूं, छोड़ूंगा और अच्छे कर्म से अपने मन और आत्मा को जोड़ूंगा। जो सुन के अमल करते हैं, वो एक कहावत है, सुबह का भूला शाम को आ जाए तो भूला नहीं कहते। इंसान गलतियां करके अगर उसे मान भी ले तो पीर फकीर मालिक अल्लाह वाहिगुरु राम से प्रार्थना करके, दुआ करके उसके पाप गुनाहों का खात्मा करवा देते हैं और फिर से खुशियों का हकदार बना देते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, आप जितना छुपाओगे उतना ही घुट घुट के पाप कर्मों में डूबते जाओगे, उतना ही दुख उठाओगे, उतना ही परेशान होते जाओगे। क्षणिक आनंद के लिए, थोड़ी खुशी के लिए आप आने वाले परमानंद को ठोकर मार देते हैं। आपको पता ही नहीं चलता कि अगर मैं एक क्षणिक आनंद को त्याग दूं तो परमानंद की प्राप्ति हो, जो परमानेंट रहेगा, जो हमेशा रहेगा। तो वचनों पे
अमल करना सीखिए, वचनों को मानना सीखिए, तभी मालिक की दया में रहमत होगी, तभी उसी खुशियों के हकदार आप बन पाएंगे। तो प्यारी सत्संग जी, आपके काफी पर्चियां भी आई हैं, पढ़ के सुनाते, ये भी सत्संग का हिस्सा है, सुनते जाइएगा। धन अन सतगुरु तेरा ही आसरा, सरजीता इंसान कोलकाता से। प्यारे पिताजी, जब भी मैं सिमरन करने बैठती हूँ तो मेरे दोनों आंखों के बीच वाली जगह पर बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है, एकाग्रता नहीं बनती। आप जी गाइड करो जी, ताकि मैं आपके। चलते फिरते सिमरन करते रहिए बेटा, फिर बैठेंगे तो ठीक हो जाएगा। इन्होंने नाम नहीं लिखा। पूज्य पिता जी, परिवार में एक मेंबर शराब व नशे बहुत करता है। पति पत्नी के बीच मनमुटाव इतना बढ़ गया है कि आत्महत्या तक की सोच आ गई है। बहुत समझा लिया पर नशे की वजह से घर नरक बन गया है। आत्महत्या तो सोचना भी नहीं, आत्मघाती महापापी। खाना सुमन करके बनाते रहिए, मालिक ने चाहा तो ठीक हो जाएगा। प्रवीण इंसान सर सच्चे। पूज्य पिता जी, जब भी हम सत्संग पर जाते हैं तो कोई हमें कह देते हैं कि हमारा नारा लगा देना, और सत्संग में आकर हम भूल जाते हैं, तो क्या हमारे फल में से कटता है जी? जी नहीं कटता, क्योंकि उसने नारा भेजा है, खुद तो खुद भी तो आ सकता है। हाँ, अगर आप लगा देते हैं तो आपको भी खुशियाँ और उसको भी। गुरु जी, मेरा नाम गंगा है, मैं श्रीलंका से इंटरनेशनल स्कूल में मैथमेटिक्स टीचर हूं। आपकी पावन शिक्षाओं को सुनकर मैं बहुत प्रभावित हुई और आज आपका आशीर्वाद लेने आई हूं, ताकि मैं आपके विजन को में अपना योगदान दे सकूं। बहुत आशीर्वाद बेटा, मोस्ट वेलकम, गॉड ब्लेस यू एवरीवेयर, वी प्रे टू गॉड आशीर्वाद, भगवान आपको बहुत खुशियाँ दे और आप आगे बढ़ें बेटा। बहुत स्वागत, आशीर्वाद बिराजिए, प्रसाद ले लेना बेटा, स्वागत। जगदीश इंसारानिया से। पूजा गुरु जी, नाम चर्चा के दौरान कई लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते रहते हैं, क्या यह सही है जी? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए मोबाइल का प्रयोग। हालांकि हमने कितनी बार समझाया है, पूरी दुनिया में बहुत लोग अंधे हो गए हैं जो मोबाइल का बहुत प्रयोग करते हैं। ये सिर्फ काम धंधे के लिए होना चाहिए, ना कि इंजॉयमेंट के लिए। आप इस पे गेम खेलते हैं, इस पे बिना वजह सर्च करते रहते हैं और सारा सारा दिन लगे रहते हैं। रिश्ते टूट गए हैं इस फोन की वजह से, आदमी अकेला पड़ गया है, क्योंकि उसे कोई किसी से बात करना अच्छा ही नहीं लगता। जो सामने होता उससे बात नहीं करेंगे, जो सामने नहीं है उससे मोबाइल पे कर रहे हैं, और जिससे कर रहे हैं अगर वो सामने आ गया तो फिर किसी और से करेंगे। मतलब फेस टू फेस बात करने से लोग घबराने लगे हैं और मोबाइल का सहारा लेने लगे। ठीक है, काम धंधे के लिए ये सही है, रिसर्च कुछ करना उसके लिए भी सही है, लेकिन सारा दिन और खास करके सत्संग या नाम चर्चा में अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको फल 0% मिलता है, कुछ भी हासिल नहीं होता। इन्होंने नाम नहीं लिखा। पूज्य जी, सिमरन हाल में किए गए सिमरन का फल ज्यादा है या डेरे में कहीं और बैठकर? कहीं और बैठ के करते हैं, वो एकाग्रता नहीं आती, और सिमरन हॉल में के वचन है तो वहां नेचुरली ज्यादा है, अगर आप सही ढंग से करें। इन्होंने भी नाम नहीं लिखा। स्वामी जी प्रणाम। आप जी कहते हो कि माँ बाप भाई बहन की हमेशा इज्जत करनी चाहिए, पर ये ही है कि मेरी और मेरे परिवार की जान लेने पर उतारू हो जाएं, तो ऐसे मुझे क्या करना चाहिए? स्वामी जी, आज वो आपके दरबार में आए हुए हैं जी। माँ बाप अगर जान लेने पर उतारू हो गए तो हमें लगता नहीं, क्योंकि आम कहा जाता है सर्पणी होती है जो अपने बच्चे खुद खा जाती है। तो अगर कोई इतना जहरीला हो सकता है, कोई शक नहीं कि इस कलयुग में माँ बाप भी ऐसे हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं। अगर ऐसे हैं तो राड़ से बाढ़ अच्छी, आप उनके किनारा कर लीजिए, लेकिन फिर भी हम कहेंगे निंदा या उनको बुरा मत कहिए, मालिक से उनके लिए सद्बुद्धि की दुआ करते रहिए और अपना बचाव कीजिए और राड़ से बाढ़ अच्छी। कुलविंदर इंसान जलालाबाद से। प्यारे पिताजी, पंडाल में पलियों के ढेर लगे रहते हैं जो अच्छे नहीं लगते, बहनों की तरफ भी एक पलियों वाला कमरा होना चाहिए ताकि वहां पर बहनें पलियां रख सकें जी। अच्छे भले स्टोर हैं, अच्छे भले कमरे हैं, तो अब आगे से कहीं भी पंडाल में ये ढेर नहीं दिखना चाहिए। एडम वाले नोट कर लो भाई बहन, कहीं भी कोई पल्ली का ढेर नजर नहीं आना चाहिए कभी भी। अभिषेक इंसान निशिंग से। प्यारे पिताजी, अपने यहाँ हेलमेट का भी प्रोडक्शन शुरू करवाएं जी, जिससे ज्यादा से ज्यादा संगत आपके वचनों द्वारा हेलमेट यूज कर सकें जी। जुम्मेवार नोट कर लेंगे भाई और इस बारे में जरूर ख्याल करेंगे। सिमरन इंसान रानिया से। प्यारे पिताजी, जट्टू इंजीनियर फिल्म के एक पोस्टर ने ही तहलका मचा दिया है। आपके जट्टू इंजीनियर सेल्फी कॉन्टेस्ट का ट्वीट करते ही पूरा ट्विटर फनी सेल्फी से भर गया है, लोगों का उत्साह देखते ही बनता है, जल्दी से 19 मई आ जाए, सबको यही इंतजार है जी। वाकई वाकई हमने फनी सेल्फी का चलाया था और
इतनी फनी सेल्फी की, एक दो तो वीडियो भी आई हैं, तो बड़ी खुशी हुई कि बच्चों ने मतलब तरह तरह के मुंह बना के, और सबकी हाजिरी मंजूर है, सबको मालिक बहुत खुशियां दे, दया में रहमत से नवाजे। हालांकि हमने एक ट्वीट भी किया था, तो नई नई चीज़ें आप करते रहेंगे, अभी एक दो दिन में और कुछ शुरू हो जाएगा ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। और ये भी आपको बता दें 29-30 को बहुत बहुत कुछ आपको दिखने को मिलेगा, बहुत कुछ आप सुन पाएंगे। और ये भंडारा है 29-30 का साईं मस्ताना जी महाराज के महापरोपकार का, जिन्होंने ये सच्चा सौदा बनाया उन दिनों का, और जामे इंसा का, ये भी शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी की ही देन है। सो आज से ही आपको मुबारकबाद, भंडारे की मालिक खुशियां बख्शे। और उस दिन भंडारा रात को मनाया जाएगा, जैसे आपको पता है टाइम बोल ही चुके हैं कि शाम को 7 बजे से लेके 1 बजे तक चला करेगा, 2 दिन या एक, और हो सकता है 1 तारीख को सेवादारों की मीटिंग हो, तो ये चलता रहेगा। 29-30 का भंडारा है, ये पूरा पूरा आप ध्यान रखें। और रात को शाम को 6 या 7 बजे शुरू होगा, 1-2 बजे तक चला करेगा। और नई नई चीज़ें आप इस बार देखने को मिलेंगी जो पहले हुई हैं, उससे कुछ अलग हटके। और हम चाहेंगे कि अपने कुछ सत्संगी कुछ ऐसा टैलेंट है जिसमें कोई ऐसा, अगर वो कर सकते हैं कुछ स्टंट वगैरह या कुछ ऐसा अलग हटके जिससे दुनिया रोमांचित हो, और आपका छुपा हुआ टैलेंट है तो आप इधर, यहाँ पे एडम के भाई या जुम्मेवार जिनका दिलावर और ये होते हैं, और इधर जिनकी भी ड्यूटी है वो लोग, तो उनको आके आप लोग मिलें भाई बहने और बताएं अपना टैलेंट, तो वो 29-30 को भी आप परफॉर्म कर सकते हैं, अगर वो उसके लायक हुआ तो आप दिखा सकते हैं। और जट्टू इंजीनियर की काफ़ी चीज़ें उस दिन आप देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगी, और बहुत कुछ होगा रूबरू, उसे कई गुना बढ़ के चीज़ें होंगी। तो ये 29-30 का, और फिर 1 तारीख को भंडार जो सेवादारों की मीटिंग है उसमें भी कुछ अलग तो होगा ही होगा। पूज्यते अमित इंसा गुड़गांव से, 29 से 31 मार्च 2017 तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में आयोजित 54वीं सीनियर नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में 85 किलो भार वर्ग में मिस्टर इंडिया सिल्वर मेडल प्राप्त किया जी। और सबसे बड़ी बात कि आप जी के वचनों पर चलते हुए 100% मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ जी। कहाँ है वो बच्चा? शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत बड़ी बात। और हम हमेशा कहते हैं कि नौजवानों, शाकाहारी हो के वेजिटेरियन हो के भी आप कुछ कर सकते हो, और इस बच्चे ने कर दिखाया, तो ये रन सब है मिस्टर इंडिया का, तो बहुत बड़ी बात, शाबाश बेटा, वेल डन, और आगे बढ़ना, भगवान बहुत खुशियां दे बेटा, तरक्की करना और प्रसाद ले लेना बेटा, और नाम भी लिखवाना ताकि यहाँ के बच्चों को भी कभी आपसे मिलवाएं। सो आशीर्वाद बेटा, बहुत स्वागत, बहुत स्वागत, आशीर्वाद। पूजा इंसान हनुमानगढ़ से, पूज्यता जी 2 बजे से लेकर 3 बजे तक सिमरन करने के बाद नींद आए तो क्या करें जी? सिमरन करने के बाद जी 2 बजे, 2 बजे से 3 बजे तक सिमरन करने, अगर आप नींद आती है तो, अगर आपने पहले नींद पूरी नहीं की तो कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छा है कि आप 2 से 3 की बजाय फिर 4 से 5 ही कर लें ताकि बाद में सोए ना। नंदपाल इंसान राकेश इंसान सरसा से, पूज्यता जी एक आप जी से रिक्वेस्ट है कि आप जी के काम करने की जो स्पीड है उस हिसाब से लगता है कि आप जी चलती गाड़ी में भी काम करते होंगे, परंतु पिताजी आप जी हमारे लिए बहुत कीमती हैं, इसलिए चलती गाड़ी में निगाह पर असर ज़्यादा पड़ता है जी, आप जी अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखा करें प्लीज। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम चलती गाड़ी पर निगाह वाला काम नहीं करते, पर वैसे जैसे बेटी होती है तो उसको लिखवाते रहते हैं कुछ ना कुछ, आप बोलते रहते हैं, कोई आइडियाज आ जाते हैं तो वो लिखती रहती है, फ़ोन पे नोट बना रखा है। पहले बड़ा मुश्किल होता था किसको लिखवाएं क्योंकि कहीं देते ही नहीं थे, लेकिन अब ये है कि वो बच्ची है तो उसको लिखवा देते हैं, और वो हमेशा याद रखती है कि पापा ये आपने कहा था ऐसे करना था। तो इस तरह काम तो करने से बाज नहीं हम आते, सब ये मशहूर है, बच्चों से पूछ के देखो, हमें चैन ही नहीं आता, अगर खाली होते तो ऐसे 2 घंटे पे हो कुछ नहीं किया, वो कहते पापा क्यों नहीं किया, इतना कुछ तो कर चुके हो, अच्छा याद ही नहीं रहा, तो मतलब हमें 2 घंटे भी ऐसा होता है कि खाली क्यों गए, नहीं जाने चाहिए, तो सतगुरु के लेखे ही लगना चाहिए हर पल, तो लगे रहते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कुछ टाइम, कई बार लोगों को होता है कि पिताजी आज आए नहीं, मजलिस नहीं हुई, ये है ये नहीं पता होता कि हम सुबह से जुटे होते हैं और शाम की रात हो जाती है, उसी काम में लगे ही रहते हैं, लगे ही रहते हैं, हमें खाली रहने की आदत ही नहीं बचपन से, जन्म से ही शायद, तो इसलिए हमें अच्छा ही नहीं लगता खाली रहना, ज़्यादा देर लेट भी जाएं तो बैक पेन होने लग जाती है, वो खड़ा होना पड़ता है, ये राम की कृपा है, हम तो कहेंगे कि बहुत ही बढ़िया, सब पे होनी चाहिए ताकि कम से कम काम तो करें सारे,
कई तो 28-28 घंटे भी सोते रहते हैं, 18-18 घंटे भी सो लेते हैं। कमाल के बंदे हैं भाई, तो अच्छी बात है, काम करना अच्छी चीज़ है। इन्हीं का अगला सवाल है, पूजपत्री जो भी आप जी के साथ शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, चाहे दीदी जी हों या कोई और, तो आप जी के लिए जो कपड़े खरीदते समय वो ये बात कहें कि हमें 18-20 साल के एक नौजवान लड़के के लिए कपड़े चाहिए, न कि पिताजी के लिए या पापा के लिए। नहीं ऐसे तो ऐसे तो नहीं कहते, क्योंकि 18-20 साल के नौजवान आजकल के देखिए आपने कैसे हैं। अच्छा लगा हमें वो बच्चा जो आज इंडिया का रनर्स अप है, पर ऐसे कितने को होंगे आप देख लो। तो हमारा हाँ ये बच्चा अच्छा बॉडी है, शरीर है, अदरवाइज आजकल हवा में उड़ने वाले जवान हैं, तो बड़ा मुश्किल होता। हमारे साइज के कपड़े ही नहीं मिलते अगर नाम बताएं तो। यस तो आशीर्वाद बेटा, सो इसलिए वो बच्चों को बताना ही पड़ता है कि हाँ किसके लिए लेना है। वो छोटे से दे देते, कहते नहीं पापा के लिए, फिर वो कहते अच्छा ये तो ब्रॉड है ये देना पड़ेगा, तो इसलिए कहना पड़ता है जी। जसप्रीत इंसान ब्लॉक ख्याला से, ये एक्सटूडेंट शास्त्रम जी बॉयज स्कूल से, पूजपत्र जी आप जी की रहमत नाल मैं पंजाब पुलिस कमांडो बीच भर्ती हो गया हूँ जी, और पहली तनख्वाह दीन दुखियों की मदद में जमा करवाइए, आशीर्वाद चाहता हूँ जी। बहुत आशीर्वाद, शाबाश बेटा, अच्छे बनना, आगे बढ़ना बेटा, मालिक बहुत खुशियाँ दे, शाबाश। प्रसाद ले जाना, परिवार को भी देना और उस बच्चे को भी प्रसाद देना, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। पूजपत्र जी कल यूथ वीरांगना द्वारा ब्लॉक चक सिंगावाला में दो गाँव में नशा कन्या भ्रूण हत्या विरुद्ध रैली निकाली गई जी, आशीर्वाद चाहते हैं। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद, आगे बढ़ना, मालिक खुशियां दे, और प्रसाद जो रखा है बन गया, ले लेना, सिमर करना। प्रियंका जी हरियाणा के गांव नाड़ा, वह गांव समैन से कबड्डी की लड़कियों की टीम आई है जी, जो 3 बार वर्ल्ड कप खेल चुकी है और 2016 में वर्ल्ड कप जीत कर आई है जी। इस टीम की कैप्टन राम भतेरी के साथ में 8 इंटरनेशनल खिलाड़ी और 5 लड़कों समेत 25 नेशनल खिलाड़ी आए हैं जी। इनमें से कुछ खिलाड़ियों ने आज नाम लिया है और कुछ खिलाड़ियों ने पहले नाम लिया हुआ है, ये सभी खिलाड़ी आप जी का आशीर्वाद चाहते हैं जी। पहले तो इन बेटियों के लिए ताली होनी चाहिए, शाबाश बेटा, शाबाश। हरियाणा में यहाँ कोई घर से नहीं निकलने देता था, और आपने बेटियों ने वो कर दिखाया जिस पे माँ बाप जितना नाज करें उतना कम है। हमें तो बहुत नाज है अपनी बच्चियों पे, इन बेटियों पे जो देश का नाम रोशन कर रही हैं, और इन बेटों पे भी जो देश में आगे बढ़ रहे हैं, शाबाश। सो प्रसाद लेना बेटा, और कोई भी आपको बात जरूरत हो किसी भी चीज़ की, आपके साथ हमेशा खड़े हैं, आपको जो चाहिए आपके साथ देंगे, और आप आगे बढ़ो, और देश का ही नहीं पूरी दुनिया में अपना माँ बाप का और देश का नाम रोशन करो। बहुत आशीर्वाद, बहुत स्वागत आप सबका आने का, बहुत स्वागत बेटा, और प्रसाद जरूर लीजिएगा, बिराजिए, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। परमिंदर इंसान संगरूर से, पूजपता जी मेरी घरवाली को 4 बार गर्भपात हो गया था जी, आप जी ने 4 अप्रैल को 2014 का वचन फरमाया थे कि बच्चा हो जाएगा। पूजपता जी आप जी की रहमत से 16 जनवरी 2016 को बेटे ने जन्म लिया है जी, सभी आप जी का आशीर्वाद चाहते हैं, ये आप जी की कृपा से ही संभव हुआ है जी। बस बच्चे को अच्छा नेक इंसान बनाना बेटा, मालिक खुशी दे, अच्छा बनाना ताकि नेक इंसान बने, आशीर्वाद वर्षा ले। इन्होंने नाम नहीं लिखा, पूजपत्र जी दरबार के मेन गेट के सामने जो दुकानें लगती हैं उनमें से कुछ स्टाल वाले टोकन पर सामान देते हैं और उनके साथ वाले दूसरी स्टाल वाले टोकन लेने से मना कर देते हैं, इस बारे में गौर किया जाए जी, और जब हम टोकन वापस जमा करवाते हैं तो वापस टोकन भी नहीं लिए जाते जी। मैडम वाले ध्यान दें भाई इस बात को, आगे से ये शिकायत नहीं आनी चाहिए, और अभी कंटीने जो हैं वो शिफ्ट होंगी अभी आगे बाहर की तरफ, तो खाने पीने के सामान का भी आपको आसानी हो जाएगी। कोशिश कर रहे हैं जितना जल्दी हो सके, और ये जो डबल चीज़ें हैं ये आप क्या है भाई, जाके पता करके इसको सही करें। ब्लॉक रतिया में 9 जोड़ी आंखें दान की गई हैं, आशीर्वाद चाहते हैं जी। शाबाश बेटा, आंखें दान महादान, आंखें अंधों को दी जाती हैं, जिन्होंने दुनिया नहीं देखी दुनिया देखते, पता नहीं कितनी दुआएं उन परिवारों को लगती हैं जिन्होंने आंखें दान करवाई। सो सबके लिए परेशान ले जाना, मालिक खुशियों से नवाजे, आशीर्वाद। पूजपत्र जी ब्लॉक गंगवा के सेवादार एक मंदबुद्धि का इलाज करवा रहे हैं, उसकी संभाल करवा रहे हैं, ब्लॉक बठिंडा में भी एक मंदबुद्धि का इलाज करवा रहे हैं, और ब्लॉक केसरी सिंहपुरा में भी एक मंदबुद्धि जीव का ये अपने घर ले जाकर इलाज करवा रहे हैं, और 11 मंदबुद्धि जीवों की ये देखभाल कर चुके हैं जी। शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत बड़ी बात है, आप साथ भी उनको लेके आए हैं, प्रसाद ले जाना, सब सेवादारों को भी देना, और इन बच्चों को मालिक जल्दी से रहमत करके ठीक करें, भगवान से प्रार्थना करते हैं, पूरी संभाल करो, पूरा इलाज करवाओ, अगर जरूरत है तो आश्रम आपके साथ है, आशीर्वाद, आशीर्वाद, प्रसाद ले जाना, आशीर्वाद बेटा। और सात संगत जी, आपने ये जो मुहिम चलाई है कि रोड के किनारे
कोई बच्ची है, कोई लड़का है, लड़की है, जो घूम रहे पागल की हालात में, उनको ले जाके हॉस्पिटल में भर्ती करते हो, उनकी संभाल करते हो, उनको उनके घरों तक पहुंचाते हो, इससे बड़ी सेवा और क्या हो सकती है। हमारे ख्याल से बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो आप सब लोग। और आपको बताएं, अभी हम हिमाचल से आ रहे थे, हिमाचल से अभी हम धर्मशाला की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में एक नौजवान था बेचारा, बहुत ही बाल बिखरे हुए थे, कपड़े फटे हुए थे और बिल्कुल ब्लैक कलर, पता नहीं नहाया नहीं नहाया, इतना आ रहा था, बुरा हाल था उसका। और वो हम जैसी गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे थे, जैसी गाड़ी चलाते हम उसके बराबर आए तो सामने से कार आई और उसके वो बिल्कुल सामने आ गया, तो कार ने एकदम ब्रेक लगाई, उसको कुछ हुआ नहीं, तो बड़ा दर्द हुआ। और हमने उसी समय सेवादारों को बोला कि इसको हॉस्पिटल ले जाओ, तो वहाँ दो लड़के थे वो, और उनका भी इलाज चल रहा है। तो बड़ी अच्छी बात है कि हम लोग, इंसान इंसान की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा, पशु पशु की मदद करता है, तो कम से कम हम पशु होते तो बेहतर है, तो इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए। और जो कर रहे हो भगवान बहुत खुशियां देंगे आपको, आशीर्वाद। गांव सपावाणी से परमजीत, कपिल, अंकुश, रजत, प्रदीप, राजेंद्र। प्यारे पापा जी, हम 16 अप्रैल को हिमाचल सत्संग के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में एक क्रूजर गाड़ी का जिसमें 15 लोग सवार थे, दूसरी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, कोई उसे उठा नहीं रहा था, हमने आप जी की प्रेरणा से अस्पताल पहुंचाया, पुलिस वालों ने भी आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया। शाबाश नौजवानों, शाबाश नर सेवा नारायण सेवा, आपने उन घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया, भगवान बहुत खुशियां दे। प्रसाद जरूर लेना, और पत्रकार समाज ऐसे बच्चों का जो भी यहाँ आए हैं, टैलेंटेड हैं, सबका जरूर दिया करें, ताकि समाज में उत्साहित होकर बच्चे और आगे बढ़ें, अच्छे कर्म करें, आशीर्वाद। प्रसाद ले लेना बेटा। देवेंद्र सिंह, हॉकी कोच, इंडियन रेलवे हॉकी टीम। प्यारे पिताजी, आप जी के आशीर्वाद से गुवाहाटी ऑल इंडिया रेलवे चैंपियनशिप खेलने मार्च में गए थे, जिसके लिए आप जी ने से आशीर्वाद लिया था जी, तथा जिसमें इंडिया की 23 जोनों ने भाग लिया था। आप जी के आशीर्वाद से रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला की टीम ने दूसरा नंबर प्राप्त किया, तथा 8 खिलाड़ी इंडियन रेलवे टीम में सिलेक्ट हुए जी। पूजा जी, इसी प्रकार रहमत बनाए रखना। शाबाश बेटा, शाबाश, आप हमेशा ही आते हैं बेटा, सो बहुत बढ़िया बात है कि हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और यहाँ भी आप जितने भी प्लेयर यहाँ पे आए हैं, आपको बता दें यहाँ खेल गांव बन रहा है इंटरनेशनल लेवल का, जितने भी कोच आप लोग यहाँ पे आए हैं, तो जरूर यहाँ भी बच्चों को ट्रेंड करें, या रहना फ्री होगा, खाना फ्री होगा, सब कुछ उन बच्चों की संभाल की जाएगी। और इंटरनेशनल लेवल का उनको बनाने के लिए, क्योंकि हम भी 30 नेशनल गेम खेले हैं और बहुत से इंटरनेशनल बच्चे यहाँ हम बना चुके हैं, तो हम भी उनको जरूर कोचिंग देंगे जितना भी समय निकाल पाए। तो आप सब लोग सहयोग करें, वहाँ अभी बस लगभग उसका मुहूर्त होने वाला है और वो इंटरनेशनल लेवल का खेल गांव बन रहा है, तो कोशिश है कि ओलंपिक में इंडिया मेडल लेके आए, बाकी राम जाने, आशीर्वाद। पूज्य जी, नोएडा यूपी के परथला गांव से 13 नेशनल लेवल के खिलाड़ी आए हैं, ये आज ग्रीन एस की वर्दी भी ले रहे हैं, आशीर्वाद चाहते हैं। खड़े हो जाए बेटा, वही तभी तो हम जिक्र कर रहे थे कि जो नेशनल लेवल के, हाँ उधर खड़े हैं। शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत आशीर्वाद और बहुत आगे बढ़ना बेटा। और आप अपने नाम जरूर लिखवाएं जो भी नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर आए हैं, क्योंकि जब चयनित होगा और या कोच जो आएंगे इंटरनेशनल लेवल के, उनको कोचिंग देंगे, तो हम चाहते कि हमारे इन बेटे बेटियों को कोचिंग जरूर मिले और ये देश का नाम रोशन करें, बहुत आशीर्वाद। नाम जरूर लिखवा के जाना सब, और प्रसाद लेना बेटा, भगवान खुशियां दे, आशीर्वाद आशीर्वाद। आईटी विंग से पूजा जी, हिंद का नापा को जवाब मूवी बड़े पर्दे पर अपना कीर्तिमान स्थापित किए हुए हैं, और इसी बीच डॉक्टर एमएस जी के आने वाली नई मूवी जट्टू इंजीनियर ने अपने आगमन की दस्तक देकर सोशल मीडिया पर धमाल मचाया हुआ है। जट्टू इंजीनियर ने धमाल तो तब मचाई जब सब सोच रहे थे कि एक चीज से पर्दा उठेगा, पर पोस्टर के साथ साथ डेट अनाउंस करके डॉक्टर एमएस जी ने सबके दिलों की धड़कन बढ़ा दी। इसी के साथ ही सबकी निगाहें कैलेंडर पर टिक गई कि ये 19 मई आखिर कब आएगी। जहां एक पोस्टर वायरल हुआ तो दूसरी ओर फिल्म समीक्षक, गायक, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सभी ने मूवी की रिलीज डेट पर डॉक्टर एमएस जी को मूवी के सफल होने की बधाइयां देनी शुरू कर दी। डॉक्टर एमएस जी के निराले सेल्फी कॉन्टेक्स्ट में हर कोई नए नए तरीके से फेस बनाकर अपनी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहा है। डॉक्टर एमएस जी मूवी में कैसे कैसे हम सबको हंसाने वाले हैं, सभी का इसका बेसब्री से इंतजार है। बुक माई शो पर 2,91,000 से अधिक लोग मूवी को देखने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं, जिसका आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब तो सभी को जट्टू इंजीनियर के लिए सरप्राइज का इंतजार है जी। बिल्कुल, सरप्राइज आते रहेंगे और आपको देते रहेंगे, और
जट्टू इंजीनियर बेसिकली हमने एक गांव की कहानी बनाई है, और हम जरूर हमेशा कहते हैं, आज भी कह रहे हैं कि सरपंच जो भी हमारे बेटे बेटियां हैं पूरे देश में, अगर वो उस फिल्म को देखें तो हर गांव आत्मनिर्भर हो सकता है और हम सरकार का पूरा साथ दे सकते हैं ताकि देश और तरक्की कर सके। इसमें हमने बेटियों पे स्पेशली, जैसे आज बेटियां आई ही हैं कबड्डी की, और इसमें भी एक लड़की को इसी गेम्स में आगे बढ़ते देखा है, और कैसे वो लड़की लड़कों के बीच में आगे निकल जाती है, तो ये भी एक इसमें एक स्टोरी है। बहुत कुछ है इस फिल्म में, लेकिन सबसे ज्यादा है कि आप इतना हंसेंगे, बिल्कुल एक गांव का देसी माहौल है, कोई बिलायती माहौल नहीं है, क्योंकि हम खुद गांव में रहे हैं, गांव में पले बड़े हैं, ऐसे गांव में तो नहीं जो जट्टू इंजीनियर में दिखाया गया है, लेकिन बाद में जैसा बना वैसे गांव में, तो क्योंकि बड़ा गांव मशहूर था वो, बड़ा आगे बढ़ गया था पूरे राजस्थान में, उसका नंबर था दूसरा या पहला अपने आप में। तो ऐसा ही हमने एक कोशिश की है, हर गांव आत्मनिर्भर हो जाए। सो आप उस फिल्म को देखेंगे, शिक्षा तो है, लेकिन बेसिकली उसमें हंसने के बहुत कुछ हैं, जो हम आम दिनचर्या में देखते हैं, जो आम जिंदगी में देखते हैं, वही चीजें उसमें दिखाई गई हैं, तो हमें लगता है आपको पसंद आएगी, बाकी राम जाने उसका काम जाने। अब लाइव मैसेज है जी यूएई से, प्यारे पिताजी डेरा सच्चा सौदा के स्थापना दिवस महाजामिनसा गुरु का महावय जट्टू इंजीनियर मूवी के रिलीज डेट आने की खुशी में साथ संगत ने सफाई अभियान, पौधारोपण व ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है जी, आशीर्वाद चाहते हैं। बहुत आशीर्वाद, सबको मालिक खुशियां दे, दया रहम से नवाजे, और ये विदेशों में उनकी फोटो है, सबको मालिक रहमो करम से नवाजे। साथ संगत यूके ने ट्विकहैम क्रिकेट क्लब के साथ मिलकर ग्राउंड में पेंट किया और सफाई की जी, उनकी फोटो में भी दिख रही है, शाबाश शास्त्राम जी, कितने सुपरफर फोर्स के मेंबर पूरी दुनिया में है, और पूरी दुनिया में देश का माँ बाप का नाम रोशन किए हुए हैं, मालिक खुशियां दे, प्रसाद बन गया, सब ले लेना जो भी आपने खाने का कोई सामान रखा हुआ। साथ संगत पर्थ ऑस्ट्रेलिया से, इन्होंने केव डेल इंडस्ट्रियल एरिया पर्थ में सफाई अभियान किया जी, इनको बहुत आशीर्वाद। साथ संगत यूएसए, साथ संगत यूएसए ने कैलिफोर्निया वर्जीनिया इंडियाना में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जिसमें 32 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया जी। वाह वाह, बहुत बड़ी बात है बेटा, ब्लड डोनेट किया आपने, और पूरी दुनिया में ये चीज चर्चा में है कि ट्रू ब्लड पंप का जो दर्जा मिला है, आज 2 लाख लोग एकदम ब्लड डोनेट कर सकते हैं, इतने नौजवान बेटे बेटियां हमारे अच्छे कामों में आगे बढ़ रहे हैं, तो सबको बहुत आशीर्वाद। साथ संग टोरंटो कनाडा ने पौधारोपण किया, वह 100 पौधे लगाए हैं जी, जी उनको भी बहुत आशीर्वाद, आगे बढ़े मालिक खुशियां। साथ संगत यूएई ने सीरिया के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए फूड डोनेट किया है जी। वाह बहुत बड़ी बात, इंसान ही इंसान के काम आए, इससे बड़ी इंसानियत और क्या हो सकती है, आशीर्वाद। साथ संगत कुवैत ने इंडियन कम्युनिटी स्कूल कुवैत में सफाई अभियान किया, हुआ 15 पौधे लगाए जिसे देखकर वहां के स्थानीय लोग आश्चर्यचकित थे और कह रहे थे कि ये शास्त्र ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादार हैं जो जेसीबी सेवादार हैं, आप जी द्वारा सेवादारों से भरे इस जज्बे को भी उन लोगों ने तहदिल से सलाम किया जी। कुवैत और यूके की 40 और 42 सेकंड की वीडियो है, अन्य फोटो स्क्रीन पर है जी। जी वीडियो दिखा सकते हैं, नाम भी ले लिए जेसीबी, जेसीबी इतना काम कर सकती है। For coming to Heron Way Community Allotment, and I'm sure the video will show the massive amount of stuff that's been done here by the group today, and it makes such a big difference to the community project. So, big thank you to everyone from the UK that's here today. And it was a massive learning curve for me as well, because I hadn't heard of the force before. And to me, they're like a human JCB force, because this lavender in is fantastic. All right. It's quicker than any mechanical thing that we've got. So, it's a big learning curve for me. I felt a little bit ashamed that I didn't know about you before. It's fantastic. Thank you very much. Fantastic. Thank you very much. Thank you. Ji, to ye aapne dekha wahan ke log. Very, very big thank you to the Saudo Welfare Force for all your great help and your effort today. This is the second time I think you've come to Twickenham Cricket Club. You are our friends, you are our family. We are very grateful for everything that you have done, and one day we hope to be able to help you if you have any problems that we can help you with. Because Arminda is now part of our family,
at Twickenham, and you're his family, so you're my family as well. Yes. Thank you. जी बहुत आशीर्वाद और उन्होंने भी कहा कि आप लगातार और दूसरी बार उन्होंने वहाँ पे अच्छे कर्म ये कर रहे हैं. नौजवान आपने देखा शास्त्राम जी गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग के मेंबर वहाँ पे खड़े थे. हर जगह ये नौजवान बेटे बेटियाँ इतनी सेवा करते हैं कि लोग दंग रह जाते हैं यार ये कौन है जो दूसरों के लिए ब्लड डोनेट करने चले आए. तो शाबाश ऐसे बढ़ते जाओ. मालिक खुशियाँ दें आशीर्वाद. आखिरी प्रचय है जी आई टी विंग लीगल से पूजापति धर्मवीर पुत्र सूरजवान सापावाली जिला फाजिलका से सोहनलाल पुत्र लीलाराम वासी चीका कैथल के रहने वाले. इन्होंने व्हाट्सएप तथा फेसबुक पर आश्रम के बारे में गलत प्रचार किया है. माइक पर बोलकर माफी लेना चाहते हैं. चंदन सतगुरु तेरा यसरा. आप मेरा नाम धर्मवीर है. पिता का नाम सूरजवान है. वासी सापावाली. आप जी की छेड़छाड़ की हुई फोटो मैं व्हाट्सएप पर सेंड करती है. कृपा करके माफ किया जाए. धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा. पिता मसाना जी पूजा पिता साधक नाम जी पूजा पिता जो ग्राम जी साहब तेरा ही आसरा. पिताजी फेसबुक पर एक शब्द में से गलत पोस्ट हो गया और मैं आपके चरणों में और सारी साध संगत से माफ़ी मांगता हूँ और मेरे को माफ़ी दीजिए. हाँ बेटा हम नौजवानों का हमेशा ही हौसला बढ़ाते हैं और हमें ये हमेशा रहता है कि हमारे बेटे बेटियां माँ बाप का देश का नाम रोशन करें आगे बढ़ें. हम दिन रात इस काम के लिए लगे हुए हैं तो हमें हमारे दिल में कोई मलाल नहीं है. लेकिन करोड़ों साथ संगत है उनके दिल दुखते हैं तो आप ऐसा कर्म किया ही ना करो. हम तो चाहते हैं आप ऐसा कर्म करो कि आपको अपने आप पे आपके माँ बाप को आप पे गर्व हो देश का नाम रोशन करो. हम पूरी दुनिया में जाके कहते हैं कि हमारे देश के नौजवान बेटे बेटियाँ बहुत टैलेंटेड हैं. तो अच्छे कर्म करना बेटा. हमारे तो दिल में कुछ ऐसा है ही नहीं तो आपको माफ़ ऐसी कोई बात नहीं. आशीर्वाद. और अभी हमने एक जिक्र किया था कि हिमाचल में हम जा रहे थे तो मंदबुद्धि भाई थे दो तो उनमें से एक का इलाज भी हो गया और उसको उसके घर भी पहुंचा दिया सेवादारों ने. शाबाश उन सेवादारों को बहुत आशीर्वाद. 45 मेंबर थे तब जब हमने उनसे बात की थी तो और एक का इलाज चल रहा है और अब बाल कटवा दिए उसके बहुत बड़े बड़े थे अच्छे कपड़े पहना के अब उनका इलाज चल रहा है तो अच्छी बात. कहीं भी आप सारे जितने भी लोग बैठे हो हमारे बच्चे बेटे बेटियां क्योंकि फकीर के सब औलाद होते हैं. आपके जन्मदाता माँ बाप हैं पर गुरु तमेव माता तमेव पिता हमारे धर्म में ऐसे नहीं कहा गया क्योंकि सच्चे गुरु की वो हर संतान होती है जो भगवान ने पैदा की है. वो फकीर अपनी औलाद मानता पेड़ पौधे पक्षी आदमी औरत सब. तो इसलिए हम आपको बच्चे ही कहते और बच्चे मानते भी हैं कि कहीं भी आपको कोई लड़की या कोई लड़का या कोई बुजुर्ग ऐसे पागल अवस्था में घूमता मिले तो आप फोन कर दें. आश्रम का फोन नंबर होगा टोल फ्री नंबर होगा वो नंबर अभी आप दे देना बोल के भाई तो उस पर आप फोन करें उसको इलाज करवाया जाएगा उसको घर पहुंचाया जाएगा. वरना इस समाज में ऐसे भेड़िए भी हैं जो उनका नजायज फायदा उठाते हमने सुना है और पहले देखा भी करते थे तो ये बहुत ही गंदी बात. तो हम उनकी संभाल करेंगे उन बेटे बेटियों की उनको उनके घर पहुंचाएंगे और आपको भी भगवान खुशियां देगा अगर आप उनका कहीं भी पता बताते हैं कि फलां जगह कोई पागल घूम रहा है फलां जगह तो इग्नोर मत करना प्लीज आप जरूर बताइएगा अब भगवान आपको भी जरूर खुशियां देंगे अपने ब्लॉक में या फिर यहां फोन दिया जाएगा. और आज जो नशा छोड़ने वाले हैं हरियाणा के सबसे ज्यादा है 1286. हालांकि आज सत्संग नहीं था अचानक सत्संग हुआ चौथा रविवार था क्योंकि सत्संग तो लास्ट रविवार को होता है पर फिर भी हमने सोचा कि नाम तो देंगे ही. तो इस तरह कुल मिला के 3405 लोग आज नशा छोड़ के जा रहे हैं. सो बहुत आशीर्वाद. कई लोग हमसे बात करते गुरुजी आप फिल्में क्यों बनाते हो राम नाम की अच्छा प्रचार करते हो आप सारे पवित्र वेद पढ़े हो सारे धर्मों को पढ़ रखा है आपने नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे हो आप फिल्में क्यों बनाते हो. तो उनको ये जवाब देना चाहेंगे आगे अगर हम अचानक चौथे हफ्ते में नाम देते थे आंकड़े बोलते हैं लिखे हुए हैं कि नशा छोड़ने लोग आते थे 200 से 700 ज्यादा से ज्यादा और आज आप देख सकते हैं 3405 लोग ना आज नशा छोड़ने आ गए अचानक. तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि ये सत्संगें उतनी नहीं हुई उसके बाद फिल्मों से इतने प्रभावित हुए बच्चे परिवार कि वो नशे छोड़ रहे हैं.
तो फिर हम फिल्म क्यों ना बनाएं भाई, किसी को क्या दिक्कत हो सकती है उसमें, क्योंकि फकीर वही कर्म करता है जिससे समाज का भला हो। और ये नौजवानों की लैंग्वेज बन चुकी है, लोग जरूर देखते हैं फिल्म, भाषण लंबा नहीं सुन सकते। पहले हम चार चार घंटे सत्संग लगातार बोलते थे, अब हमें भी शॉर्ट पे आना पड़ा कि चार घंटे में सारे कहीं तो सोए पड़े होते थे, खुराटे चल रहे थे खर्र खूम कर, तो अच्छा नहीं लगता था, और कई खिसक जाते थे पीछे से धीरे धीरे। तो हमने कहा क्यों ना फिर वो थोड़ा कम टाइम में ज़्यादा समझाएं, तो इसलिए। और आज शादी वाले भी परिवार आए हैं, छह परिवार आए हैं, आ जाएं जी, सभी दीन दुखियों की मदद कर रहे हैं, बैंक में पैसा जमा करवा के शादी की खुशी में। एक परिवार मरणोपरांत नेत्रदान का लिखित में प्रण कर रहा है, दो परिवारों के नौ मेंबरों ने मरणोपरांत शरीर दान का प्रण, सारे दान महादान आशीर्वाद। विदेश जाने वाले कैनेडा से, स्पेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, कंबोडिया, दोहा, कतर, न्यूजीलैंड, जॉर्जिया, खड़े हो जाएं, प्रसाद ले जाना, बच्चों पे रहना, सुमन करते रहना, मालिक साथ है, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और आए हैं विदेशों से दुबई और दूर दराज से छत्तीसगढ़, असम, मुंबई से फौजी साहबान, सूबेदार साहबान, सबका बहुत स्वागत, आशीर्वाद, प्रसाद लेना, मालिक खुशियों से नवाजे। और कश्मीर से भी आए हैं तो उनको भी आशीर्वाद जी। तो ये विवाह शादी वाले परिवार आ गए हैं जी, बेटा वहां चले जाइए और अपने जोड़ीदार को देख जरूर लेना, क्योंकि पूरी उम्र की बात है, सही होना चाहिए कि गलत ना हो जाए काम। हाँ, दोनों जीवन साथी हैं आप, और एक दूसरे को देख लें भाई, ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं इनमें ज्यादातर नौजवान शास्त्राम जी की नेशनल वेलफेयर फोर्स विंग के मेंबर हैं, उसी वर्दी को तोहफा समझ के पहना, ये अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचाते हैं, बहुत बड़ी बात है, आशीर्वाद। तो साज बजेंगे बेटा, नारा लगा के दिल जोड़ मार डालना। हाँ जी चलिए। जी, और दीन दुखियों की मदद करना नहीं भूलते, ये विवाह शादी की खुशी में, सो इनके घरों में प्यार बढ़े, आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, मालिक से प्रार्थना करते हैं, इनको आशीर्वाद कहते हैं। सो अपनी अपनी जगह जाके आप बैठ जाइए बेटा। और ये हिंदू धर्म का ब्रह्म विवाह, कोई दहेज नहीं लेता, कोई इनमें से नशा नहीं करता, और यहीं से लड़की को विदा किया जाता। हाँ, मेहमान नवाजी की जाती है, लेकिन कोई दहेज या ये चीजें नहीं होती। तो ऐसी लाखों शादियां यहां होती हैं जो हिंदू धर्म का सर्वोत्तम विवाह, ब्रह्म विवाह, माँ बाप राजी हैं, बच्चे आपस में राजी हों, और फिर इस तरह सास संगत भगवान का रूप है, उनके सामने हार डलता है, और कानूनी तौर पे भी लिखित होती है इनकी वकायदा। सो आशीर्वाद। विदेशों में, इंडिया में वीडियो के द्वारा, ऑडियो के द्वारा और सच चैनल के द्वारा लाखों की तादाद में सास संगत सत्संग देख रही, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियों से नवाजे। नए सेवादार शास्त्रम जी गिनेश बेलफर फोर्समिंग का प्रसाद लेने वाले 45 भाई बहन खड़े हो जाएं, टीनेज वॉरियर्स 15 लड़कियां, 15 मेंबर, एक यूथ विरांगने, 3 आईटी विंग, 2 इंसानियत की सेवा महाभियान के फार्म भरने वाले 17 सेवादार, सब लोग खड़े हो जाएं जो सेवा का प्रसाद ले रहे हैं। धन्य माँ बाप, धन्य परिवार जिनके बच्चे इस कलयुग में सेवा में आगे आते हैं, और धन्य वो कुल हो जाती है जो सेवा करके उड़ने पाते हैं। जोर शोर से सेवा करना, मालिक सैकड़ों गुना खुशियां देते, नारा लगा के बैठ जाओ आशीर्वाद, बाद में प्रसाद ले लेना बेटा, शाबाश, प्रसाद ले लेना बेटा, आशीर्वाद। कोई बीमार आया हो या बीमारी के लिए प्रसाद लेके जाना है, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके प्रसाद देते। जितने बार दवाई लेनी, पहले आधा घंटा सुमरण करना, कैंसर जला इलाज हमारी, दिन रात मालिक का नाम जपो, फिर दवाई लो, मानते लाखों लोग ठीक होते, करने वाला मालिक मानना आपने है जी। खाने पीने की अनजाने में गलती की, बैठे बैठे नारा लगा दो, मालिक माफ करेंगे। 3 वचनों में पहली बार गलती हुई है, अपनी जगह खड़े हो जाओ, कोई भी गलती कभी करनी नहीं चाहिए, सारी खुशियां चली जाती हैं। आज सच्चे दिल से तौबा करोगे तो मालिक फिर से रहमत करेंगे। सो आशीर्वाद, नारा लगा के बैठ जाओ, मालिक को माफ करेंगे। हेमंत इंसा खड़ा हो जाए, नाम लिखवाया है, लगातार सिमरण करते रहो, गलती पे गलती करनी नहीं चाहिए बेटा, खुशियां बहुत दूर जाती है, पर लगातार सिमरण करोगे तो मालिक रहमत करेंगे। नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद। डेरा सच्चा सौदा रूहानी स्थापना माह की खुशी में शाही कंटीन स्पेशल हफ्ता, परौठा समिति बहने 15,000, इसके अलावा 15 बहन भाई दीन दुखी मध्य में बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं, और जो आज
नशा छुड़ाने के लिए नाम से जोड़ने के लिए आए वो भी खड़े हो जाएं। सबके घरों में मालिक खुशियां बख्शे, सेवा सुनने में मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े, मालिक रहमो करम से नवाजे, प्रसाद लेना और नारा लगा के बैठ जाओ। आशीर्वाद जी। साथी मुहिम के तहत एक जरूरतमंद निशक्त जन को ट्राई साइकिल दिलवाई जा रही है और जसविंदर इंसान रानिया को, और इसका परमार्थ सोनम स्केटिंग प्लेयर शास्त्राम जी गर्ल्स कॉलेज ने कैश अवार्ड मिलने की खुशी में दिया है जी। सो इस बच्ची ने अपने को अवार्ड मिला है, इसको आपको बताया इंटरनेशनल प्लेयर बहुत हैं, सो उन्हीं में एक बच्चा ये भी है, तो इसने अपने उन पैसों से इसके लिए ट्राई साइकिल दी है। सो शाबाश बेटा, पढ़ाई में, गेमों में, अच्छे कामों में तरक्की करो, घरों में मालिक खुशियां दे, आशीर्वाद प्रसाद लेना, बैठ जाओ और बच्चे को बैठाओ भाई ट्राई साइकिल पे। और ये जो आप मदद करते हैं, शाबाश शाबाश, और मालिक बहुत खुशियां दे, आशीर्वाद। शास्त्र जी की नेशनल वेलफेयर फोर्स की तरफ से जो चेक दिए जाते हैं, आज जिसको चेक दिया जा रहा है वो है सतविंदर कौर इंसा, जिला फतेहाबाद। इनकी माता के इलाज के लिए 2,00,000 का चेक दिया जा रहा है, इनकी सहायता की जा रही है। शास्त्रम जी, अभी आपने सुना विवाह शादी वाले बैंक में पैसा जमा करवाते हैं और वही पैसा जरूरतमंदों को चेक के रूप में दिया जाता है जी। तो आज 2,00,000 का चेक सुमन करना बेटा, भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान साथ दे आपका, आशीर्वाद आशीर्वाद। और 14 परिवार हैं जिनके परिवार में किसी न किसी की मौत हुई है, यहां लिखवाया है, खड़े हो जाएं। 2 का नाम नहीं देता परिवार वाले, घंटा सुबह शाम 2-3 महीने लगातार सुमन करें, मालिक रहमत करेंगे। 4 परिवार अस्थियां लेके आए हैं, आश्रम में देना चाहते हैं, एडम वाले अस्थियां ले लें, उन पे पेड़ लगाया जाता है और हजारों पेड़ यहां पे लग चुके हैं। आत्मा का भला, परिवार का भला, पहले 4 जमा करवा चुके हैं आशीर्वाद। 2 का शरीर दान मरणोपरांत महादान, 5 की आंखें दान महादान, और 9 परिवार उनकी याद में फजूल खर्ची की बजाय दीन दुखियों की मदद के लिए बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं आशीर्वाद। परिवार दोनों तरफ इनाम रिकॉर्ड में चढ़ गया। दुख जरूर लगता है जब कोई सगा संबंधी चला जाता है, लेकिन भगवान का कानून ही ऐसा है, जो इस दुनिया में आया है वो जाएगा जरूर। सो भगवान आपको शक्ति दे, ताकत दे, झेलने की हिम्मत दे, प्रसाद ले लेना बेटा और प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना। कोई नशा छोड़ने आया हो यहां, 7 दिन के लिए रुकना होगा, परिवार का एक आदमी साथ रहे, 7 दिन रहना फ्री, खाना फ्री, जरूरत पड़े दवा फ्री। करोड़ों लोग नशा छोड़ चुके हैं, लेकिन एक शर्त है, जब नशा छोड़ के जाओगे, यार दोस्त जो नशेड़ी हैं उनका संग, उनकी सोहबत हरगिज ना करना, तो नशा छूट जाएगा। बाकी साथ संगत, शादी के कपड़े, हार, प्रसाद, पेन, छोटा बच्चा, मकान की चाबी, गाड़ी की चाबी, जन्मदिन है, शादी की सालगिरह, पेपर है, आशीर्वाद लेने आए हैं, या कोई सामान भी लेके आए तो ऊपर कर लो। सारी साथ संगत को अच्छे निकामों के लिए आशीर्वाद आशीर्वाद, सामान नीचे कर लीजिए। और प्यारी साथ संगत जी, आपको फिर से याद करवा दें, 29 और 30 अप्रैल ये वो दिन है जब सच्चा सौदा शाह मस्ताना जी दाता रहबर मालिक ने बनाया था, नीम रखी थी, और उन्हीं दाता रहबर शास्त्रनाम शाह मस्तान जी ने रहमो करम किया, रूहानी जाम चलाया, जो करोड़ों लोग पी चुके हैं और जिसको पीने से करोड़ों की बीमारियां दूर हुई, परेशानियां दूर हुई, तो वो धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये जो आप स्टेज देख रहे हैं, इसमें इसको और बहुत कुछ किया जाना है, अभी अभी शुरुआत है। तो यहां पे बहुत टैलेंटेड हमारे देश के बच्चे आएंगे, टैलेंट दिखाएंगे अपना, दुनिया से लोग आएंगे, वो टैलेंट दिखाएंगे अपना, और हम तो आपकी सेवा में जो कुछ करते हैं उससे कुछ बढ़ के ही करेंगे, वो तो हमने तो करना ही करना है, जो भी आप देखना चाहते होते हैं वो तो करते रहना है। सो रात के 2 रातों का प्रोग्राम है ये, 29 और 30, और 1 का जैसे बोला सेवादारों की मीटिंग, तो 3 दिन हो गए। कई बार कई सेवादार कहते हैं पिताजी ये दिन जो होते हैं ना वर्किंग डे होते हैं, छुट्टी नहीं ले पाते, मालिक ना करे अगर बीमारी आ जाती है तो क्या होता है, कितने दिनों की छुट्टियां झट से ले लेते हो, अच्छा नहीं है कि सिर्फ 1 दिन की छुट्टी लेनी पड़ जाए और बीमारियां आई ना, क्या पता राम जी ऐसी कृपा कर दे, वो मर्जी आपकी है, बताना हमारा फर्ज है। तो उस दिन नए नए कार्य शुरू होंगे, सम्मानित भी कुछ लोगों को किया जाएगा, जुम्मेवार नोट कर लें,
और आपको पता है चारों धर्मों के रीति रिवाज, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का प्रसाद बांटा जाता है उस दिन, ताकि सभी धर्मों के लोग जो आते हैं वो खुशी हासिल करते हैं और नाम भी दिया जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, नाम जाम तो होता ही है। सो अब थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सजे रहना, बैठे रहना, लंगर भोजन लेना है, उसके बाद जैसा आपका ख्याल, जाने का समय अनुसार आप जा सकते हैं। आप सबका पधारने का तह दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नुकशाम दीद मोस्ट वेलकम। बस थोड़ा समय सजे रहिएगा, बैठे रहिएगा। जी सतगुरु तेरा ही आश्रय।